अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्यूनिस चैनल। आज बरोज़े हफ्ता हज़रत खुतबे गौरी दरगाह के एहतियात में शादियों का एहतमाम किया गया। आठ शादियों का, उन शादियों में सिलाई मशीन और दीगर एशिया देकर शादियों का पूरा प्रोग्राम किया गया। तो इस उर्स का शुरुआत जुमेरात के दिन से शुरू होकर, जुमेरात को तुर्बत धुलाई से शुरू होकर जुम्मा को अवामी उर्स और हफ्ते के दिन शादियों के प्रोग्राम से इख्तदाम होने जा रहा है। उसके पूरा वीडियो संदोल का, उर्स का और फुखरा का, ज़रब का और फुखरा का धूम का, जो फुखरा धूम करते हैं उनका, धमाल करते हैं उनका, सब वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब ये शादियों का भी वीडियो जहेज का दिखा रहा हूँ। मेहमान उनको खाने का इंतज़ाम अलमिन उर्दू स्कूल प्राइमरी स्कूल के अंदर किया गया है। वहाँ पर जो मेहमान खाने के लिए बारी से इंतज़ार में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप हजरत ये जो देख रहे हैं, हजरत कुतुब सरकार रहमतुल्लाह अलैह के संदल के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शादियों का इंतज़ाम है। इस साल जो है आठ शादियों का इंतज़ाम करके हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पैंडमिक कोरोना की वजह से हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है इस प्रोग्राम को करना था। तो इस वजह से हमने हालात को देखकर कम शादियों का अहतमाम करते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले साल इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शादियां करेंगे इंशाल्लाह। इस बार जो है आठ जोड़े जो है हम आठ शादियां करके हैं। यहाँ पर शादियां जो हम करते हैं, इसके साथ साथ जो भी ये एक संसार चलाने के लिए, ये घर चलाने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, वो सारे चीज़ें देकर जो है हम ये शादियों का जो है इंतज़ाम करते हैं। और ये जो है, अगर आने वाले दिनों में अगर शौहर अगर तबीयत से नासाज हुए, तो घर में खुद अपनी और घर चलाने के लिए जो है हम मशीनों का इंतज़ाम करके हैं। सिलाई मशीन जो है एक औरत की कमाई के जरिए, कमाई के जरिए के लिए जो है हम इसका इंतज़ाम कर जो है बच्चियों को दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप सब हजरात से, जो भी हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप भी जो है हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इंशाल्लाह हमें इसमें आसानी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। ये मेरा नाम अकर मोहम्मद रफ़ी है, मैं जिस पर दो वार्ड का काउंसलर हूँ, इसमें बाबा जी हासिल किया है मैंने। जी ये जो हजरत खुतबे गौरी रहमतुल्लाह का जो है, तकरीबन हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि यहाँ जो है तकरीबन 25 साल से ये शादियों का जो इंतज़ाम किए गए हैं। शादी करना कोई बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता है। ये घर में शादी होगी तो अपने माँ बाप के ऊपर गुजरता है, वो कितनी कुर्बानी देते हैं। इसके वास्ते जो है हमारे जो जिम्मेदार जो हैं, कमेटी के जो बुजुर्गान दिन है, बुजुर्गान जो हैं उन्होंने एक गरीब बैंकों बच्चों के वास्ते एक कमेटी बनाकर, एक ट्रस्ट बनाकर जो है यहाँ शादियों का इंतजाम करें, और हर चीज़ का इंतजाम करके उसमें हमारी जो बैंकों बच्चे
देखें तो बिल्कुल बच्चे निकाह होने के बाद में उसके ऊपर कोई तकलीफ ना हो और कोई खाने का मौका ना हो, बाहर जाकर तकलीफ से काम ना करे करके बोल के उसको मशीन का भी इंतजाम कर कर दे रहे हैं कमेटी के जो हमारे जिम्मेदार हैं। ये जो कुर्बानी जो है क्या छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। ऐसी जो कुर्बानी जो है हम तकरीबन 25 साल से देख रहे आ रहे हैं, अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। अल्लाह के बल से जुमेरात के दिन जो है संदर शरीफ उठाए गए और जुम्मा के दिन जो है बयान किया गया। अभी हफ्ते के दिन आप देख रहे हैं कि शादियों का तकरीबन 8 शादियों का इंतजाम किए गए हैं। ये इस बार कम हो गया है, कोई मीटिंग की वजह से कम हो गया है। पिछली मरतबा जो है 20-25 शादियों तक इंतजाम किए गए थे कमेटी के जो जिम्मेदार, ये हालत की वजह से 8 शादियों का जो इंतजाम किया है ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे दौर में जो है ऐसे जो कम हालत में जो है ये इंतजाम किए गए हैं, इसके असर में कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनका मेरा अपने कई दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और भी ताकत दे और भी हिम्मत दे। इंशाल्लाह ये ऐसे जो शादियों जो है और भी हम सब इनके साथ हिस्सा मिलकर हम ये कार्रवाई और भी सामने आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये मुझे दो बात कहने का मौका दिए इंशाल्लाह, अपनी तरफ से मैं दो बातों कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने सुना कि यहाँ के जो हजरत खुतबे गौरी के कमेटी के मेंबर मुस्तफ़ा और यहाँ के पड़ोसी इलाके के नमीज मोहल्ले के काउंसलर मोहम्मद रफ़ी, उनकी ज़ुबानी तुमने सुने। यहाँ पर हजरत खुतबे गौरी का संदल का आगाज़ बरोज़ जुमेरात 14 जुलाई और जुम्मा के दिन अवामी संदल और आज हफ्ते के दिन शादियों के प्रोग्राम के साथ इंतजाम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 शादियों का इंतजाम किया गया। उन शादियों में सिलाई मशीन खासकर ये देकर बहुत अच्छा काम इन कमेटी की हजरत खुतबे गौरी कमेटी ने की है। वो इसलिए कि आने वाले दिनों में अगर घर का जो शोहर तकलीफ से कमाई के लिए जाना ना हो तो खुद अगर टेलरिंग सीखकर हो तो लड़की एक जोड़े से 300-400 रुपये कमा कर अपना घर चला सकती है। तो इसलिए वो सोचकर टेलरिंग मशीन भी देकर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी टेलरिंग मशीन भी देकर। और आज हजरत खुतबे गौरी का शादियों के प्रोग्राम के साथ इंतजाम होगा। आप देख सकते हैं आज के अपने प्रोग्राम के लिए शुक्रिया। I'm